नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू जो कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो जाए, पर हाँ, लालू की बातों पर लोग भरोसा जरूर कर लेते हैं। समय समय पर वे ऐसे शगुफे छोड़ते रहे हैं जो भाजपा को वास्तव में मुश्किल में भी डाल देते हैं। लालू के ताजा दावे का आधार यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी हुई है। इनमें दो दलों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और दूसरा दल है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड। ऐसे में अगर ये दोनों दल अपना समर्थन वापस ले लें तो भाजपा सरकार गिर जाएगी। इसी को लेकर लालू ने दावा किया है कि हालांकि लालू के इस बयान पर पलटवार करने में भाजपा ने भी देरी नहीं लगाई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मोदी सरकार के अगस्त में गिर जाने का दावा किया है, आप भी सुनिए। हो सकता है वही लालू के इस बयान से अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लालू यादव पर हमलावर हो गए हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संविधान हाथ में लेकर लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये लोग कुछ भी बोले, पहले की तरह कार्यकाल पूरा होगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के नेता हूं या फिर कांग्रेस के, ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। लालू जी का ये कहना है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये कौन सी सनक वाली बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी और जोरदार तरीके से चलेगी। वहीं लालू के सरकार गिरने के बयान को लेकर बिहार के सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने भी हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि लालू जी निराशा में हैं। ये मोदी सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। अब देखा जाए तो लालू यादव का ये शगुफा कितना सच साबित होगा ये तो वाकई में समय बताएगा। लेकिन पहले वे ऐसे शगुफे का लाभ उठाते रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। उनकी इस बात पर बिहार के लोगों ने भरोसा भी किया और भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान लालू ने संविधान बदलने का शगुफा छोड़ा है जो बड़ी तेजी से इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने पूरे देश में फैला दिया है। इस साल के अंत में 3 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे मौके पर मोदी सरकार गिरने का अंदेशा जताकर या यूं कहें कि दावा कर लालू ने फिर एक शगुफा छोड़ दिया है जिसका खामियाजा फिर कहीं ना कहीं भाजपा को ना भुगतना पड़े। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।